वेलकम टू माय मास्टर रेसिपी चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ मूंगफली के चिक्के। उसके लिए जो सामग्री लगती है वो है 200 ग्राम मूंगफली, 125 से 150 ग्राम गुड़ और 1 से 1.5 टेबल स्पून घी। गुड़ मेल्ट होने के लिए रखते हैं। हिलाते रहना है कि ताकि वो नीचे चिपके नहीं। गुड़ थोड़ा मेल्ट हो जाने के बाद उसमें घी डालना है, मीडियम आंच पे ही करना है। गुड़ मेल्ट हो गया है, उसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं ताकि चिपके नहीं। घी डालने से कढ़ाई को गुड़ चिपकता नहीं है, इसी वजह से घी डाला और चिक्की को शाइन भी आती है, खाने में भी टेस्टी लगती है शुद्ध घी डालने से। अभी जब तक गुड़ हमारा होता है तब तक हम तेल लगा देते हैं। यहाँ पे हमें बेलना है, इस तरह से पहले लगा लेते हैं, इस तरह से। गुड़ का कलर चेंज हो रहा है। अभी इसे चेक करने का तरीका, एक तो ड्रॉप डाल के आप कर सकते हो या फिर तवे तापे ऐसे करके फिर आप कर सकते हो। लंबा तार टूटे तो समझना कि भाई गुड़ हमारा तैयार हो गया। अभी तक ड्रॉप्स गिर रहे हैं, मैंने अभी तक हुआ नहीं है उसे, और 2-3 सेकंड उसको करते हैं उसके बाद करेंगे। पर चेक करते हैं, लंबा तार टूटे मीन्स समझना कि भाई गुड़ तैयार हो गया है। आप देख सकते हो हमारा गुड़ तैयार हो गया है। अब इसमें मूंगफली डालते हैं। मूंगफली डालने के बाद उसे कंटिन्यू में हिलाना है, इस तरह से। उसके तार टूटने लगे हैं मीन्स वो गाढ़ा होता जा रहा है। जब तक पूरा ड्राई नहीं होता तब तक हिलाते रहना है। देख सकते हो तार टूट रहे हैं उसके, तो वो हो रहा है इस तरह से। धीमी आंच पे ही करना है। बिल्कुल भी नीचे चिपका नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल चिपका नहीं है। और मूंगफली को भी गुड़ अच्छी तरह से लग गया है। और 2 मिनट करते हैं, उसके बाद थोड़ा ठंडा करते हैं। अभी मूंगफली का चिक्की का मटेरियल तैयार हो गया है। अभी गैस बंद कर देते हैं, इसमें 2-3 सेकंड रखते हैं, उसके बाद हम नीचे टाइल्स पर डालेंगे। अभी इसे नीचे डालते हैं। अभी तक बहुत गर्म है। मैदान से धीरे धीरे उसे करते हैं, गर्म है इसी वजह से धीरे धीरे करते हैं। ठंडा हो जाने के बाद वो जल्दी बेलेगा नहीं, इसलिए जितना भी आप बोल सकते हो जल्दी जल्दी बेलने का ट्राई करिए। घुमा घुमा के उसे बेलना है ताकि अच्छी तरह से सब
सेट हो जाए। मूंगफली की चिक्की हमने बेल ली है, अभी 2 मिनट उसको ठंडा करने के बाद ही हम उसे निकालेंगे। इस तरह से 2 मिनट के बाद हम निकाल लेते हैं। मूंगफली की चिक्की हमारे थोड़ी ठंडी हो गई है, अभी इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से मूंगफली की चिक्की बनाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए और मूंगफली की चिक्की बना के खाइए। धन्यवाद।